गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डलहौसी होटल किंग्स। अभी सुबह के लगभग 8 हो रहा है, तो फ्रेंड्स अभी सुबह का 9 हो चुका है और हम लोग रास्ते में चलते चलते एक दुकान में खड़ा हुए हैं। यहाँ पर हम लोग अभी नाश्ता करेंगे। फ्रेंड्स डलहौसी में जाते जाते तो हम लोग का गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो इसीलिए मैकेनिक लोग गाड़ी ठीक कर रहा है। फ्रेंड्स इस वक्त दोपहर का 2 बज चुका है, तो ढाबा देख के हम लोग रुके हैं, यहीं पर हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम लोग चल रहे हैं धर्मशाला स्टेडियम के तरफ। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बज चुका है और इस वक्त हम लोग है धर्मशाला स्टेडियम। ये धर्मशाला स्टेडियम में आने का समय है सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक। फ्रेंड्स अभी शाम के 5:30 हो रहा है और हम लोग चल रहे हैं दलाई लामा टेम्पल की तरफ। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं हूँ दलाई लामा टेम्पल में। फ्रेंड्स धर्मशाला के दलाई लामा टेम्पल देख के हम लोग आ चुके हैं हमारे होटल में। तो फ्रेंड्स अभी रात का 2:30 हो चुका है, हम लोग करेंगे डिनर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डलहौसी होटल किंग्स। अभी सुबह के लगभग 8 हो रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है धर्मशाला, तो वहाँ लगभग डिस्टेंस है यहाँ से वही 120 के आसपास, जाने में समय लगेगा 3 से 4 घंटा। तो दिन भर का जो जर्नी है वो आपको हम दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो घूमने के लिए आए हैं, तो हम लोग टूर ऑपरेटर के साथ आए हैं। तो जिन दादा के साथ हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, उन दादा से आपसे बात करा देता हूँ। एंड साथ ही साथ ये दादा का फ़ोन नंबर एंड बाकी जो डिटेल्स है हम आपको सब इस वीडियो में दे देंगे। तो आप इस पूरा ट्रिप को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो अपनारा चाहले हमारे घूरते पर हम खूब फ्रेंडलि भाई घूराई, खूब घर हमार निजस्व किचेन थके घर रान्ना सार्विस दी एवं मोटामोटी भलो जगह रखा भलो खावा भलो घुरान चेष्टा करी। भाई हमारे एर बाकी बोलें गए एक्सपिरियन्सर कथा अपना, तो अपना चाहले हमारे आसते पर। अभी सुबह का 9 हो चुका है और हम लोग रास्ते में चलते चलते एक दुकान में खड़ा हुए हैं, यहाँ पर हम लोग अभी नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता पे चलिए आपको दिखाते हैं। Thank you.
हाउस में जाते जाते तो हम लोग का गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसीलिए मैकेनिक लोग गाड़ी ठीक कर रहा है। तो यहाँ पर लगभग हम लोग का 2 घंटा यहाँ पर समय हम लोग का बीत गया है। तो इतना टाइम में हम लोग शायद पहुँच जाते धर्मशाला में, तो क्या करें, ये सब चीज़ तो किसी के हाथ में नहीं रहता है। तो ले चलते हैं धर्मशाला और वहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है वो सब प्लेस आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त दोपहर का 2 बज चुका है, तो हम लोग तो धर्मशाला जा रहे हैं। तो पहले ही आपको बोला, तो हम लोग रास्ते के एक साइड में एक ढाबा देख के हम लोग रुके हैं, यहीं पर हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए।
फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग चल रहे हैं धर्मशाला स्टेडियम के तरफ, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, আমরা এখন চলেছি ধর্মশালা স্টেডিয়ামের পথে, তো ভিডিওটাকে আপনারা কন্টিনিউ দেখতে থাকুন। फ्रेंड्स, अभी शाम के 4 बज चुका है और इस वक्त हम लोग है धर्मशाला स्टेडियम। आप मेरे पीछे देख रहे हैं धर्मशाला स्टेडियम। ये धर्मशाला स्टेडियम में आने का समय है सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक, और यहाँ पर आने का एंट्री फ्री है, 30 रुपया पर पर्सन। तो काफ़ी सुंदर जगह है, आप लोग देख रहे हैं चारों ओर पहाड़ है और पहाड़ के ठीक बीचों बीच ये स्टेडियम बनाया गया है। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अभी शाम के 5:30 हो रहा है और हम लोग चल रहे हैं दलाई लामा टेम्पल की तरफ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दलाई लामा टेम्पल में, तो दलाई लामा टेम्पल का जो वीडियो है वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये टेम्पल से चारों तरफ का जो धर्मशाला का नज़ारा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। Thank you.
दलाई लामा टेम्पल देख के हम लोग आ चुके हैं हमारे होटल में। तो हम लोग का पहले बात रहा जो हम लोग धर्मशाला ही रहेंगे, लेकिन हम लोग के समय की वजह से हम लोग थोड़ा और आगे चला है। चामुंडा माता मंदिर हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला के नज़दीक में ही पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग अभी है फिलहाल। मेरा होटल का जो नाम है होटल अतिथि, आप पीछे देख सकते हैं। तो इस होटल को आप हम दिखाएंगे, होटल को आप देखिए, बहुत बढ़िया होटल है। आप लोगों को हमने पहले ही बताया जे हम लोगों का जो गाड़ी है वो गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गया था, तो थोड़ा मैकेनिक आने में गाड़ी ठीक करने में हम लोगों का वहाँ पर लगभग अढ़ाई घंटा के आसपास समय लग गया है। तो अगर ये टाइम हम लोग का बच जाता तो शायद हम लोग धर्मशाला और भी ज़्यादा घूम पाते और वहाँ पर भी हम रह भी पाते, लेकिन वो टाइम की वजह से शाम हो गया है। तो हम लोग जितना जल्दी हो सके होटल चामुंडा जो है इस रूट में पड़ता है, तो इसी रूट में होटल चामुंडा के अभी रात का 2:30 हो चुका है, हम लोग करेंगे डिनर। और डिनर का आज का हम लोग का मेन्यू है वह है राइस है, दाल है और चिकन है, तो उनको हम दिखाते हैं।